ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरिहंताणं नमो श्रेष्ठाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञानं नमो लोये सुमधाणं मुक्तिमार्गस्य नेतारं श्रीकारं कर्मभूव्रताम् विश्वतत्त्वानं वन्दे सद्गुणलब्धये। हमारा यहाँ पे द्रव्य गुण और पर्याय का टॉपिक चल रहा है। आप लोग ने परिभाषा लिखी ना द्रव्य की, तो एक बार वो पेज निकालना। देखो यहाँ पे जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला जो बुक है ना, उसमें पहली परिभाषा आप लोग लिखते जाना और टैली करते जाना, रेफरेंस भी लिखते जाना। पहला गुण पर्याय वत् द्रव्यम, लिखा सबने, लिखा था गुण पर्याय वत् द्रव्यम। रेफरेंस कोई बता सकते, ये तो सबको आएगा। सत्रवा सूत्र का पांचवे अध्याय का 38 नंबर का सूत्र। दूसरा गुण पर्याय समुदाय द्रव्यम, ये भी एक बताई थी परिभाषा। गुण पर्याय वो पेज निकालना, ओके। गुण पर्याय समुदाय द्रव्यम रेफरेंस लिखना। पंचाध्याय की गाथा 72, गुण पर्यायों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। 72। फिर एक और आती है गुण समुदायो द्रव्यम 73, पंचाध्याय की 73 नंबर की गाथा में गुण समुदायो द्रव्यम। फिर एक और आती है समगुण पर्यायो द्रव्यम, समगुण पर्यायो द्रव्यम, वो भी पंचाध्याय की 73 गाथा। चार लिखाई फिर से गुण पर्याय वत् द्रव्यम, पहला गुण पर्याय समुदायो द्रव्यम, गुण समुदायो द्रव्यम, उसने क्या था गुण पर्याय समुदायो द्रव्यम, इसलिए क्या अभी गुण समुदायो द्रव्यम, गुणों के समुदाय को द्रव्य कहते हैं। 73 और समगुण पर्यायो द्रव्यम, माने समगुण माने कोई समानता की बात नहीं है, समगुण पर्यायो द्रव्यम माने युगपत संपूर्ण गुण पर्याय में द्रव्य कहे थे। संपूर्ण सम माने संपूर्ण, युगपत सम माने ऐसा है गुण आगे है पर्याय पीछे, ऐसा कुछ है, ऐसा है कैसे है। युगपत, युगपत माने एक साथ, एक साथ। युगपत का अर्थ, सम का अर्थ लिख लेना, युगपत सम का अर्थ क्या लिखोगे, युगपद, ओके। लिखा चौथी परिभाषा क्या लिखी, गुण नहीं नहीं चौथी परिभाषा समगुण पर्यायो द्रव्यम। चौथी परिभाषा क्या लिखी, कौन बोलेगा चार परिभाषा एक बार वापस? हाँ आप बोलोगे, आप नहीं लिखा नहीं है तो लिख लो ना, जल्दी से लिख लो। हाँ किसी की बुक ले लो, परिणति की बुक ले लो, लिख लो, देख के लिख लो, छोटी है ना एकदम, ठीक है। चलो आप बोलोगे, आप आपके आगे के आगे, हाँ आप इसके पीछे, उनके पीछे, प्रियंका के पीछे। हाँ आपका नाम क्या, क्या नाम है, किंजल। आपका नाम चारुल, बोलो बोलो परिभाषा बोलो चार। पंचाध्याय गाथा नंबर 73 बराबर हो गया, चार परिभाषा हो गई।
73। देखो, हमने द्रव्य की परिभाषा समझी, विश्व की परिभाषा समझी, गुणों की परिभाषा समझी, बराबर। द्रव्य की परिभाषा जब हमने समझी ना, क्या समझी? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इसमें अपन चार अनुयोग गठित करेंगे। कितने अनुयोग? चार अनुयोग। कैसे गठित करेंगे? पहला अनुयोग द्रव्यानुयोग। जब हमने अपने को क्या देखा? गुणों का समूह देखा ना, हमने गुणों का समूह द्रव्य का अनुभव किया, तो जीवन में कौन सा अनुयोग आया? कौन सा अनुयोग आया? द्रव्यानुयोग आया, पहला अनुयोग। दूसरा, हाँ फिर से, जब हमने अपने को द्रव्य का अनुभव हुआ, जब हमने अपने को द्रव्य माना, द्रव्य का अनुभव हुआ, मैं द्रव्य हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा अनुभव हुआ, तो द्रव्य दृष्टि हुई। तो द्रव्य दृष्टि हुई तो कौन सा अनुयोग उत्पन्न हुआ, कौन सा अनुयोग प्रकट हुआ? द्रव्यानुयोग। दूसरा, जब हमने अपने को द्रव्य देखा तो हमने बाकी के जीवों को भी द्रव्य देखा ना, तो द्रव्य देखा तो अब हम उनकी क्या नहीं करेंगे? हिंसा नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, दुखी नहीं करेंगे, सख्त व्यसन का त्याग करेंगे कि त्यागी है कि नहीं? सख्त व्यसन का है ना। तो जीवन में कौन सा नियोग आया? चरणानुयोग। जीवन में कौन सा आया? चरणानुयोग, बराबर। तीसरा, जब हमने सबको द्रव्य देखा, हमने अपने को भी द्रव्य देखा, तो हमारे परिणाम भी नहीं बिगड़ेंगे। ख्याल आ रहा कि नहीं? हमको क्रोध नहीं आएगा, हमको गुस्सा नहीं आएगा, मान नहीं होगा, मान अभिमान नहीं होगा, मायाचारी नहीं करेंगे। ख्याल आ रहा कि नहीं? तो चार कचाई से रहित हो जाएंगे, तो परिणाम सुधरेंगे, संभलेंगे। तो ये जीवन में कौन सा नियोग आ गया? बहुत बढ़िया। और ऐसे जीव की लोक में प्रशंसा होती है, ऐसे जीवों की क्या होती है? तो उसके जीवन में क्या आ गया? माने वो धन्य बन गया। वो जीव क्या बन गया? धन्य बन गया कि नहीं? है ना, क्योंकि अब वो कहाँ पे विराजमान होने वाला है? अनंत सिद्धों के समूह में विराजमान होने वाला है, इसलिए उसके जीवन में क्या आ गया? प्रथमान योगी। अरे बोलो, प्रथमान योगी आ गया। चार हो गए, चार अनुयोग कैसे हो गए? बराबर, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, चरणानुयोग और प्रथमानुयोग, चार अनुयोग। कल हमने बताया था गुणों का, अब टॉपिक निकालना, गुणों की परिभाषा लिखी थी ना, अब गुणों के पॉइंट लिखना है। गुणों के पॉइंट आपको सबसे पहला, आपने एक चार्ट बनाया था, कल पांच पॉइंट बताए थे, पांच पॉइंट, बराबर, तीन कॉलम ड्रॉ की थी ना, हाँ, तो उसमें क्या लिखा था? पहला, बराबर, दूसरा क्या लिखा? संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में रहे उसे गुणों के परिणाम को नेक्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, गुण नॉन चेंजेबल, द्रव्य नॉन चेंजेबल, पर्याय चेंजेबल, द्रव्य का आश्रय, गुणों का आश्रय नहीं, पर्याय का आश्रय नहीं, फिर है और होती है। आगे पांचवा, पर्याय व्यक्त, बराबर। फिर एक आप लोग लिख लेना, ये कॉलम कंप्लीट कर लेना, इसको पहले कंप्लीट। हाँ, क्या हाँ, वो इसमें मत लिखना आप लोग, बराबर। वो तो मैंने ऐसे ही बताया था, जब पर्याय का स्वरूप समझेंगे ना तब उसमें देखेंगे, ठीक है? उसको डिलीट कर देना ये पॉइंट को, अभी यहाँ में मत लिखना। अब आगे लिखना यहाँ पे, देखो एक लिखना, द्रव्य होता है सदावर्ती, द्रव्य के नीचे लिखना सदावर्ती, सदावर्ती, सदावर्ती। गुण होता है सवर्ती,
सहवर्ती और पर्याय होती है त्रणवर्ती, इनकी सदावर्ती, सहवर्ती और क्रमवर्ती। बराबर हो गया, हो गया। फिर लिखना के क्या लिखोगे? एक लिखना के द्रव्य जो है वो है स्वामी। द्रव्य क्या है? गुण है स्व, स्व द्रव्य है स्वामी, गुण है स्व और पर्याय है क्षणिक स्व। इसे क्या लिखा आपने? द्रव्य है स्वामी, गुण है स्व, क्षणिक स्व। मैंने आप ऐसे भी लिख सकते, गुण में त्रिकाल स्व और यह है क्षणिक स्व, और द्रव्य तो है, द्रव्य तो है स्वामी नारायण, गुण है त्रिकाल स्व और पर्याय है क्षण स्व और द्रव्य है स्वामी। समझ आ रहा है ना? एक लास्ट लिखना, क्या लिखोगे? अब ज्ञान में गठित करना है। ज्ञान से आपने अपने को ये तीन चीज बतानी है। द्रव्य है चेतक, द्रव्य है चेतक, गुण है चेतन और पर्याय है चेतना। इसलिए क्या लिखा आपने? आप द्रव्य में ऐसे भी लिख सकते, हाँ द्रव्य का क्या लिखा आपने? चेतक है ना, द्रव्य है चेतक, गुण है चेतन और पर्याय है चेतना। कौन बोलेगा ये तीन की? आप बोलो। द्रव्य चेतक, गुण चेतन और पर्याय चेतना। आगे लिखो, द्रव्य है ज्ञायक, द्रव्य है, गुण है ज्ञान और पर्याय है जानना। लिखा, द्रव्य है ज्ञाय, गुण है ज्ञान और पर्याय है, पर्याय है जानना। समझ में आ रहा ना? देखो अब कितने लिखे पॉइंट अभी इस कॉलम? नौ हो गए, नौ। एक और लिखो, दस। क्या लिखोगे? एक पॉइंट लिखना है, द्रव्य है आश्रयी, द्रव्य के कॉलम में लिखना आश्रयी, गुण है आश्रित और पर्याय भी है आश्रित। द्रव्य है आश्रयी, गुण है आश्रित और पर्याय है आश्रित। द्रव्य आश्रयी देखता है और गुण और पर्याय द्रव्य के आश्रित से है। द्रव्य क्या देता है? देता है और गुण और पर्याय द्रव्य के आश्रित रहते हैं। द्रव्य हो गया आश्रयी और गुण और पर्याय हो गई। एक बार दस पॉइंट, एक बार साथ में दस पॉइंट। पहला पॉइंट साथ में, अपनों की बुक बैग, हाँ जल्दी से। द्रव्य पहला परिभाषा, दूसरा पर्याय होती है, तीसरा पर्याय गुण आश्रय करने लायक नहीं है, चौथा नॉन चेंजेबल, नॉन चेंजेबल चेंजेबल। आगे आगे सदावर्ती, सहवर्ती, क्रमवर्ती। आगे स्वामी, स्व और क्षणिक स्व। आगे द्रव्य चेतक, गुण चेतन और पर्याय चेतना। आगे जायक, पर्याय जानना है। आगे आश्रय, आश्रित और आश्रय। ख्याल आ गया, 10 पॉइंट हो गए द्रव्य गुण पर्याय के बीच में। अब गुणों का टॉपिक लिखना, गुण पहला पॉइंट, गुणों में लिखना पहला पॉइंट। अब गुणों का टॉपिक आया, गुण, गुण, गुण की परिभाषा हो गई थी ना, अब गुण के लाभ देखेंगे। अब गुणों का स्वरूप लिखना, बराबर गुणों के थोड़े पॉइंट लिखना। गुण के स्वरूप को क्या क्यों समझे?
गुणों के लाभ, ऐसा भी आप ऊपर नाम लिख लो, हेडिंग लिख लो, गुणों के समझने का, समझने से लाभ, विश्व के समझने के लाभ देखा, द्रव्य से समझने के लाभ देखा, अब गुण को समझने से क्या लाभ, पहला पॉइंट। गुण भेद से, गुणों को समझने से द्रव्य की महिमा आती है। गुणों के समझ, गुणों को समझने से किसकी महिमा करनी है? ठीक, गुणों को समझने से महिमा किसकी करनी है? द्रव्य की करनी है। गुण भेद में नहीं अटकना है, क्योंकि गुण भेद में अटकेंगे ना, गुण भेद में अटकेंगे तो क्या हो जाएगा, समय दशम की प्राप्ति। तो गुणों के माध्यम से किसकी महिमा, किसको पकड़ना है? द्रव्य को पकड़ना है, समझ आ रहा ना। गुण भेद आप लिख सकते हो, गुण भेद समझाने के लिए है और अभेद अनुभव करने के लिए है। अभेद द्रव्य अनुभव करने के लिए है। गुण भेद से समझा जाता है, ऐसा भी लिखो, ऐसा लिख सकते हो, गुण भेद से समझा जाता है और अनुभव, अभेद का अनुभव किया जाता है। क्या लिखोगे? गुण भेद से समझा जाता है और अभेद का, अभेद का अनुभव किया जाता है। लिखा, क्या लिखा? गुण भेद से समझा जाता है और अभेद का अनुभव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, किसी को प्राइम मिनिस्टर को मिलना है, किसको मिलना है? कौन है प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर को मिलना है ना, मोदी को मिलना है, हरियाणा की नहीं, तो अब उसका, उसका घर कहाँ है? दिल्ली में है कि नहीं? अब कोई व्यक्ति गया, कहाँ गया? दिल्ली गया, उसको मिलना है किसको? बराबर। अब वो ढूंढते 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 सब जगह पे ढूंढा, बराबर। अब उसको एक बहुत बड़ा एक बंगला दिखा और वो बंगले के बाहर वो एक बोर्ड मारा था, नेम प्लेट थी, क्या नाम लिखा था? प्राइम मिनिस्टर। जैसे उसने वो बोर्ड देखा ना, जैसे उसने वो नेम प्लेट देखा, उसको क्या ख्याल आ गया, उसको पकड़ में क्या आ गया, उसको विश्वास क्या हो गया कि ये किसका घर है ना? उसको क्या लगा कि मुझे तो मिल गए, कौन मिल गए? अच्छा, उसको नरेंद्र मोदी दिखा, अभी दिखा, मोदी दिखा नहीं, दिखा ना, तो क्या दिखा? नेम प्लेट दिखा, समझ आ रहा है? खाली नेम दिखा, उससे से नक्की क्या हो गया, प्राइम मिनिस्टर नक्की हो गया कि नहीं, कि यही है, यही है, समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसे गुण भेद से नक्की क्या हो गया, ये द्रव्य है ना, ये ज्ञायक है। माने आप लोग लिख सकते हो कि जानने जानने की पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय कौन सी? ज्ञान, ज्ञान को लक्षण बनाया कि नहीं? इतने गुणों में ज्ञान को लक्षण बनाया, क्यों ज्ञान को लक्षण बनाया? क्योंकि ज्ञान गुण की जो जानने जानने की पर्याय है ना, हर समय हो रही है कि नहीं, प्रगट्य है कि नहीं, व्यक्त है कि नहीं, तो वो जानने जानने की पर्याय से किसको पकड़ा? द्रव्य, अव्यक्त द्रव्य को पकड़ा, समझ आ रहा है कि नहीं? एक पॉइंट दिया था ना, व्यक्त पर्याय, व्यक्त और द्रव्य, माने व्यक्त पर्याय से किसको, किसका निर्णय होता है? अव्यक्त द्रव्य का। जैसे वो नेम प्लेट से अनुभूति किसका निर्णय हुआ? मोदी का निर्णय हो गया कि नहीं? ऐसे जानने 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 की पर्याय से किसका निर्णय हो जाएगा? अव्यक्त द्रव्य का निर्णय हो जाएगा, किससे होगा? किससे होगा? जानने जानने की पर्याय। लिखा आप लोग ने, लिखा, क्या लिखा? गुण भेद से किसका निर्णय करना है? द्रव्य का निर्णय करना है, बराबर ना? क्योंकि गुण भेद के माध्यम से हमको समझना है किसको, द्रव्य को समझना है। ख्याल आ रहा है? आपका नाम क्या है? खुशबू गिरा। क्या लिखा आपने दूसरा पॉइंट?
अभेद का अनुभव किया जा सकता है बराबर। गुण भेद में आप लोग पर्याय का लिख लो बराबर कि गुणान गुण की पर्याय कौन सी है, जानना जानना जानना, तो जानने जानने की पर्याय से हमको किसका निर्णय हो जाएगा, अव्यक्त द्रव्य का निर्णय होगा कि नहीं, क्योंकि जानने जानने की पर्याय कैसी है, व्यक्त है बराबर। जैसे वो बोर्ड से किसका निर्णय हो गया कि नहीं, ऐसे जानने जानने की पर्याय से किसका निर्णय हो जाएगा, द्रव्य का, क्योंकि जहाँ जानने जानने की पर्याय है वही पे कौन है, वही पे मेरा द्रव्य, वो ही मेरा द्रव्य है, वही पे मेरा द्रव्य है। इसलिए आचार्य जी ने लक्षण बता दिया, कौन सा लक्षण, जानना जानना लक्षण बता दिया, समझ में आ रहा है ना। और एक उदाहरण से समझो, जैसे दो आप लोग दो फ्रेंड्स जा रहे हैं, दो मित्र जा रहे हैं, समुद्र है बाजू में, बहुत बड़ा समुद्र है, और दो मित्र ऐसे तैरते तैरते जा रहे हैं बराबर, और उसमें से एक मित्र समुद्र में गिर गया, डूब गया, अब वो मित्र उसको ढूंढ रहा है, अब वो नहीं मिल रहा है। अब थोड़े ही समय में वो मित्र की क्या दिखी, नहीं वो मित्र की क्या दिखी, एक एक छोटी सी उंगली दिखी, क्या दिखी, अब उसको क्या हो गया, इतनी उंगली से क्या निर्णय हो गया कि मेरा मित्र मिल गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, इतनी छोटी सी उंगली से पूरे मित्र का क्या हो गया, जात हो गया ना, निर्णय हो गया ना, हालांकि ऐसे वो जानने जानने की पर्याय से क्या हो गया, पूरे द्रव्य का निर्णय हो गया, समझ आ रहा है, क्योंकि वो पर्याय व्यक्त है और द्रव्य अव्यक्त, उंगली की उंगली उंगली व्यक्त और मित्र, पर वो छोटी सी उंगली से क्या हो गया, पूरे मित्र का ज्ञान हो गया ना। आगे बाबूजी तो और एक उदाहरण देते हैं, इसमें युगल जी बाबू जी थे ना, एक उदाहरण देते थे, क्या देते थे, किसी का 1 करोड़ का हीरा घूम गया, सुना है ना, किसी लेडीज का 1 करोड़ का हीरा घूम गया, अब वो सारे घर में देख रही है, पूरे घर में कचरे में सब जगह पे देख रही है, और उतने ही समय में वो कचरे में से एक किरण दिखी, क्या दिखी, अब क्या हो गया, जब तक नहीं मिला था तब तक तो इतने टेंशन में, क्यों टेंशन में, क्योंकि हीरा नहीं मिल रहा था, अब थोड़े समय में क्या हो गया, हीरा नहीं दिखा, क्या दिखा, खाली किरण दिखी, और क्या निर्णय हो गया कि हीरा मिल गया, समझ में आ रहा ना। तो वो एक किरण क्या था, एक किरण व्यक्त था कि नहीं, वो एक किरण हो गया लक्षण, और हीरा हो गया लक्ष्य, तो वो किरण के माध्यम से उसने पूरा हीरा का क्या कर लिया, निर्णय कर लिया। ऐसे जानने जानने की पर्याय से पूरे द्रव्य का निर्णय हो जाता है, क्योंकि जानने जानने की पर्याय व्यक्त है और द्रव्य, पहला पॉइंट क्या लिखा, क्या गुणों के समझने से द्रव्य की महिमा आती है, पहला। दूसरा पॉइंट क्या लिखा, गुण वेद से समझाया जाता है और द्रव्य का अनुभव, देखो गुण वेद से, गुण वेद का विचार तो हमने अनंत बार किया, पर गुण वेद से किसको नहीं पकड़ा, ध्रुवी किसको नहीं पकड़ा, अभेद को नहीं पकड़ा। देखो माता जी ऐसा कहते थे, एक बोल है माता जी का, क्या बोल है, रुचि अनुयायी वीर्य, क्या लिखते थे, क्या बोलते थे, रुचि अनुयायी वीर्य, जिसको जहाँ रुचि होगी ना, जिसको जहाँ रुचि होगी वही उसका पुरुषार्थ दौड़ेगा,
जो जीव को पांच इंद्र के विषय की रुचि है ना, उसका वीर्य वहीं पे उछलेगा, और जिसको गायक की रुचि होगी उसका वीर्य ये तरफ दौड़ेगा, उसको ये बात भी पसंद आएगी, है ना, उसको इसका चिंतन करना भी अच्छा लगेगा, उसको ऐसे समागम करना भी, बोलो ना, अच्छा लगेगा, है ना, उसको आत्मा भी ख्याल आ रहा है, क्योंकि रुचि किसकी है, आत्मा की, ख्याल आ रहा है ना, गुरुदेवी कहते थे ना, एक म्यान में दो तलवार ना रह सके, एक म्यान में दो तलवार ना रह सके, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। ऐसे जिसको बाहर की भी रुचि है, किसकी रुचि, बाहर की रुचि माने होटल पिक्चर थिएटर सबकी रुचि है, और किसी को लगता है कि आत्मा की भी रुचि हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी कि नहीं, तीन काल में नहीं होगी, क्योंकि या तो उसको पर की रुचि होगी और या तो उसको, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक साथ दो नहीं हो सकती, एक साथ कुछ नहीं, एक साथ दो नहीं हो सकती, या तो उसको स्व की या तो गुरुदेव ऐसा कहते थे ना, जब तुमने दर्शन होना है ना तो दो टुकड़े हो जाएंगे, दो टुकड़े किसके, दो विभाग हो जाएंगे, स्व और एक और गाम और एक और राम, एक और गाम और एक और मारा कि नहीं, गाम माने क्या, गाम माने गांव माने पूरा 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 नगर पूरा शहर, उसे क्या क्या गाल दिया पता आपको, लिख लेना, नौ कर्म द्रव्य कर्म और भाव कर्म, आप लोग लिख रहे हो कि नहीं सारे बोल, नौ कर्म द्रव्य कर्म और भाव कर्म, फिर से एक और गाम, गाम में क्या क्या गाल दिया, नौ कर्म द्रव्य कर्म और एक और राम, राम में कौन, आत्म राम, बहुत बढ़िया, क्या नाम है आपका, अनुभूति ना, नाम उनका नाम, समय, समय समय बुलाऊंगी मैं तो, समय, समय माने क्या, समय माने आत्मा, खड़ा रहे कि नहीं, हा? वो आप लोग बुलाना, ठीक है, चलो आगे, फिर से क्या लिखा, क्या क्या लिखा, ये नहीं बोल, कौन सा बोल, एक और गाम और एक और गाम में क्या क्या डाला, कौन बताएगा, नौ कर्म मैंने क्या, जब आप ही बोलोगे दूसरे को तो चांस दो, प्रियंका हाँ आप मैंने आप पीछे पीछे लास्ट, नौ कर्म माने, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ बहुत हो गया, द्रव्य कर्म माने, द्रव्य कर्म द्रव्य कर्म, ओए ओए बेटा हेलो, आप नहीं पीछे बोलो जल्दी से, कहाँ देख रहे हो, क्या आठ कर्म, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां, आगे भाव कर्म, भाव कर्म आप बोलो, अभी आप तो बोले एक आंसर, हाँ बोलो, भाव कर्म कभी तो नहीं बोला था ना, आप बोलो, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां, मोर आप ग्रेट, अब क्या है, अब काय का हाथ उठा रहे, द्रव्य कर्म नौ कर्म और पूछू तब उठाओ ना, पूछू तब उठाते नहीं हो, है ना, और ऐसे उठाते रहते हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वो तो नीचे करके आए ना, हटा रहे हो, हंसे की भी एक्सरसाइज करके आना नीचे कर आए, ओके, द्रव्य कर्म नौ कर्म और एक और बोल का ना, रुचि अनुयायी, एक म्यान में दो तलवार, ऐसे सम्यक दर्शन करने के लिए पर की रुचि भी और आत्मा की रुचि हो तो हो जाएगा कि नहीं, तीन काल में नहीं होगा,
देखो देखो हमको है ना तत्व ज्ञान की बहुत महिमा आनी चाहिए। किसकी महिमा? और तत्व ज्ञान समझने वाले जीवों की भी, क्योंकि कितने दुर्लभ कितने कम जीव है। कितने कम जीव है जो ये तत्व ज्ञान समझ रहे और सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और उससे भी कम जीव होंगे जो ये तत्व ज्ञान को जीवन में, और उससे भी कम जीव होंगे कि जो क्या करेंगे अपने आत्मा का अनुभव करके क्या कर लेंगे, ये भव का अभाव करेंगे। ऐसे पुरुषार्थी, ऐसे प्रशंसनीय, ऐसे जीव, ऐसे धन्य जीव बहुत ही कम है। हालांकि हमको ऐसा बनना है कि नहीं, गुरुदेव जैसा बनना है कि नहीं, है ना? क्योंकि हम किसके शिष्य है, गुरुदेव जो मार्ग पे चले हम भी वो मार्ग पे। सत्य ज्ञान आएगा ना तो जीवन में विनय और विनम्रता आए बिना, आए बिना रहेगी नहीं। विनय आएगी कि नहीं, है ना? उल्टा नहीं बोला आपने, हाँ ऐसा बोलो, है ना? माने सयोक्तम ज्ञान का क्या नहीं होगा अपने को? उगास तो होगा, मज नहीं होगा। उगार तो है ना, सयोक्तम ज्ञान का उगास तो हुए है सबको, पर मज नहीं होगा। तत्व ज्ञान होगा ना तो जीवन में मज नहीं, अभिमान, अभिमान नहीं आएगा। हमको सब कुछ आता है, ऐसे भाव ऐसे अभिमान रखने वाले को कुछ नहीं आता है, ख्याल आ रहा है कि नहीं? उसको कुछ ग्रहण भी नहीं होगा, मेरा ना, हाँ मैं सबसे बेस्ट, हाँ मेरा ज्ञान सबसे बेस्ट, ऐसा अभिमान ज्ञानी को नहीं होता है। और मिथ्या दृष्टि को ऐसा अभिमान आए बिना, गुरुदेव तो ऐसा कहते थे, बस बस हेलो के गणधर भगवान, सुन रहे हो? गणधर भगवान भी, गणधर भगवान कितने ज्ञान के धारी? चार ज्ञान के धारी। पर समोचरण में कैसे सुनते पता है भगवान की वाणी? गलूर यानी गेम बताओ मेरे को, पिल्ले की भांति, माने वो कुत्ते का बच्चा होता है ना गलूरिया, उसके समान वो क्या होता है, कैसा बैठता है, वो ऐसे बैठता है ना, ऐसे गणधर भगवान भी भगवान की वाणी सुनने के लिए बैठ जाते हैं। वो है कितने ज्ञान के धारी, समझ में आ रहा है? और भगवान का केवल ज्ञान, और हम काम मत कर रहे, अभिमान कर रहे, थोड़े से सयोक्तम ज्ञान बढ़ जाता है तो हमको क्या लगता है इसका, इसका तो क्या, मेरे जैसा सयोक्तम ज्ञान तो है ना। ऐसे ज्ञान, ऐसे भाव से ज्ञान बढ़ता नहीं है, ज्ञान घटता है। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो ज्ञान घटते घटते क्या हो जाएगा पता है? अक्षर के अनंत वा भाव जितना ज्ञान हो जाएगा, निगोज का ज्ञान हो जाएगा। और हमको ज्ञान में मत नहीं आएगा, सम्यक ज्ञान होगा, तो वो ही ज्ञान बढ़ते बढ़ते किसको प्राप्त करेगा? केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। इसलिए हम एक दूसरे के साथ कभी ईर्ष्या नहीं करेंगे, जलसी नहीं करेंगे। कोई आगे बढ़ता हो तो हम क्या करेंगे? खूब प्रोत्साहन देंगे, खूब अनुमोदना देंगे, है ना? अरे वाह, है ना? ख्याल आ रहा कि नहीं कि ऐसा, ऐसे अनुमोदना देंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे और सारे जगत के जीव भी ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे, है ना? हाला रहा ना, क्या पॉइंट लिखा? दो पॉइंट हो गए, अब तीसरा पॉइंट लिखो, बराबर? अब तीसरा पॉइंट लिखो, हाँ एक एक तीसरा पॉइंट करके यही से अपन समाप्त करेंगे। तीसरा पॉइंट लिखो, क्या लिखोगे? गुणों के लिए लिखना, गुणों के लिए। एक गुण अनंत गुण कह नहीं सकते हैं, अनंत गुण कहने की ताकत, अनंत गुण कहने की ताकत सर्वज्ञ भगवान में भी नहीं है। फिर से, फिर से बराबर ध्यान से समझना, अनंत गुण को सर्वज्ञ भगवान जान तो सकते हैं, पर अनंत गुणों को सर्वज्ञ भगवान कह नहीं सकते।
एक और चीज लिखना, देखो आपको ये ख्याल आएगा, इसी पॉइंट में लिखते जाना, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जितना जानने में आता है ना, कितना जानने में आता है, सब कुछ, सब कुछ बराबर। जो ज्ञान में जानने में आता है उसके अनंतवा भाव, जो ज्ञान में जानने में आता है ना उसका अनंतवा भाग वाणी में आता है। वाणी में सब कुछ नहीं आता है, क्या आता है, अनंतवा भाग लिखना, फिर उसका अनंतवा भाग गणधर भगवान जीव के है। मैंने गणधर भगवान द्वादशांग की रचना करते हैं ना अंतर मुहूर्त में, तो वो वाणी का अनंतवा भाग है। फिर से गंधर भगवान जो वाणी में आता है, भगवान की वाणी में आता है, उसके अनंतवा भाग, उसका अनंतवा भाग गंधर भगवान जीव से है, उसका अनंतवा भाग आगे, उसका अनंतवा भाग जितना गंधर भगवान ने जाना उसका अनंतवा भाग शास्त्र में लिखा जाता है, सब कुछ नहीं, उसका अनंतवा भाग। मैंने आप समझ रहे हो कितना कम होते जाएगा, देखो उसका अनंतवा भाग शास्त्रों में लिखा जाता है, उसका अनंतवा भाग हमको मिला है, सब कुछ नहीं मिला है, कितना मिला है, और जितना शास्त्र हमको अनंतवा भाग जितना मिला है ना उससे भी अनंतवा भाग हम जीवन में उतारते हैं। कहां से चालू हुआ, जो जानते हैं उसका अनंतवा भाग, उसका अनंतवा भाग, उसका अनंतवा भाग, उसका अनंतवा भाग हमको मिलता है, उसका अनंतवा भाग हम जीवन में उतारते हैं। कितनी दुर्लभ है ना, कितनी दुर्लभ था हमको ये मार्ग मिला है। आगे लिखना, अनंत गुण जानने में तो आते हैं पर अनंत गुण कहीं नहीं जाते हैं, ख्याल आ रहा है कि नहीं, हाँ बोलो। जो सुख है ना अतिंद्रिय सुख भी कहाँ नहीं जाता, अतिंद्रिय सुख का क्या हो सकता है, अनुभव हो सकता है पर कहा, श्रीमद जी ने लिखा ना अपूर्व अवसर में, क्या लिखा है, लास्ट वाली कड़ी, सुनो फिर बोलना, आप लोग हिंदी में बोलना, जे पद श्री सर्वज्ञ भिक्षु ज्ञान मां कही सक्या नहीं ते पण श्री भगवान जो अन्य गेह स्वरूप ने अन्य वाणी के शू कहे अनुभव मा अनुभव गोचर मात्र रयू थे ज्ञान जो हे अपूर्व अवसर ए वो प्यारे आवते जे पद की सर्वज्ञ दिख्यु ज्ञान मां माने ये जो सुख को सर्वज्ञ भगवान ने ज्ञान में जाना अनुभव किया वो भी वाणी में कह सकते तो फिर अन्य वाणी उसको बता दे, किसी को पूछे कि भाई अतिंद्रिय सुख को बताओ तो ऐसा हो नहीं, क्योंकि वो अतिंद्रिय सुख कैसा है, वचना तीस है, इंद्रिया तीस है, विकल्पात तीस है, क्योंकि वो कैसा है, अनुभव गम्य है, मेरा अनुभव गम्य है। तीसरा पॉइंट लिखा, क्या लिखा, अनंत गुण जान सकते हैं पर कह नहीं सकते, और एक चौथा लिख लो, एक गुण का वेदन हुआ ना माने अनंत गुण का वेदन हो गया, एक गुण का वेदन हुआ माने किसका वेदन, बोलो शक्कर का मिठास गुण का वेदन हो गया तो फिर उसकी सफेदाई
उसकी खुशी, उसकी जो कठोरता, उसका जो खेत, सत्ता सत्ता हो गया कि नहीं? एक विकास का अनुभव करते, एक विकास का अनुभव करते बेटा, सब वो पूरी चक्कर का ज्ञान हो गया ना, है ना? ऐसे क्या नाम है आपका? भावना भारिका, ओके भारिका, है ना? तो क्या कहा भारिका बेटा कि एक गुण का वेदन होते अनंत गुण का वेदन, अनंत गुण, अनंत गुण स्वरूपी आत्मा का वेदन हो जाएगा। ज्ञान गुण का वेदन होते ही अनंत गुण स्वरूपी आत्मा का वेदन हो जाता है। इसे समय काल में एक ज्ञान मात्र को क्या कहा? आत्मा कहा। ज्ञान मात्र आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा कहते ही खाली ज्ञान गुण, खाली ज्ञान गुण बताना आत्मा में, अनंत गुणात्मक आत्मा का अनुभव हो जाए। एक गुण का वेदन होते ही अनंत गुणात्मक आत्मा का वेदन। चार पॉइंट एक बार जल्दी से, पहला पॉइंट गुणों से किसकी महिमा? द्रव्य की। फिर गुण जैसे समझा जाता है और द्रव्य का किया जाता है, उसे कौन सा अपन ने मुख्य मुख्य कौन सी लक्षण दिया, कौन सा लक्षण बनाया, लिख लेना। जानना जानना जानना, जानने जानने पर्याय के माध्यम से पूरे जायक को और अब तो द्रव्य को क्या कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते। तीसरा अनंत गुण को जान सकते पर। चौथा पॉइंट एक गुण का वेदन होते अनंत गुणात्मक द्रव्य का वेदन होता है। चार पॉइंट गुण के किए बराबर। अब गुण के जो आगे के पॉइंट है, गुणों के स्वरूप को समझने से क्या लाभ है वो अपन कंटिन्यू करेंगे। और कल ही अपन को सामान्य गुण और विशेष गुण, ये दो टॉपिक करने हैं, ठीक है ना? ऐसे हम भी अनंत गुणात्मक शुद्धात्मा का अनुभव करके अनंत काल विद्यालय में विराजमान हो जाए, ऐसी मंगल भावना के साथ।